वाराणसी में भीषण ठंड को देखते हुए श्री हरकृष्ण ज्वेलर्स की ओर से मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर रविवार को कर्मयोगी बंधुओं को अर्दली बाजार शाखा में कर्म कपड़े बांटे गए। इस अवसर पर हरकृष्ण ज्वेलर के अधिष्ठा संतोष कुमार अग्रवाल ने कहा कि हमारे कर्मयोगी बंधु देश के चौथे स्तंभ की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो ठंड बारिश व गर्मी में सुबह सुबह अखबार लेके घर घर पहुँचते हैं, जिससे लोगों को देश दुनिया की जानकारी मिलती है। उन्हें अपने कार्य के निर्वहन में किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट व परेशानी को दूर करने हेतु हरकृष्ण ज्वेलर कटिबद्ध है। प्रतिष्ठान के अधिष्ठा संतोष अग्रवाल पुत्र दिव्य चेतन अग्रवाल व रौनक अग्रवाल ने सर्वप्रथम समाचार पत्र वितरक संघ के पदस्थ अध्यक्ष सतीश प्रसाद को उन्हीं वस्त्र भेंट किया और मकर संक्रांति की बधाई दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय समाचार वितरक समाज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रसाद ने हरिकृष्ण ज्वेलर्स की सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि ये प्रतिष्ठान हर वर्ष जरूरतमंदों व कर्मयोगियों की मदद के लिए हमेशा आगे आकर सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जो प्रेस के हॉकर लोग हैं, अखबार जो बांटते हैं घर घर जो है, उनको हम अपने अर्दली बाजार दुकानों से काफ़ी संख्या में हॉकर लोगों को ये गर्म कपड़ा वितरित किया जा रहा है। बात किया जाए पिछले काफ़ी दिनों से गर्म कपड़े वितरित किए जा रहे हैं, आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो हम लोग का है, ईश्वर जब तक चाहेगा तो हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। अभी और शोरूमों से भी हम लोग इसको देंगे, आज हम लोग अर्दली बाजार शोरूम से ये कार्य कर रहे हैं। हम लोग ने आज अपने प्रेस वालों को, हॉकर्स लोग को गर्म कपड़े दिए हैं, क्योंकि इतनी भीषण ठंड पड़ रही है। लोग सुबह जाते हैं, अखबार बांटते हैं, हम लोग का प्रचार करते हैं, इसलिए हम लोग ने आज भैया लोग को गर्म कपड़े दिए हैं। आज हमने 200 हॉकर्स लोग को कपड़े बांटे हैं।